तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जापानीज हॉरर फिल्म को। इस मूवी का नाम है इमर्जन, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। ट्रस्ट मी, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है, अंडररेटेड मूवी है। ये हाल ही में ही रिलीज हुई है लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। और देखो यहाँ पर हम हमेशा बात करते रहते हैं कि ये जापानीज मूवी है, इंडोनेशियन मूवी है, या फिर साउथ की फिल्म है, या फिर कहीं और की। तो ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि आप लोग इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ घूम रखे हो, या फिर फॉरेन में भी आप कौन कौन सी कंट्रीज में गए हो, और जो आपको बेस्ट लगती है उसका नाम जरूर मेंशन करना। और भाई मैंने हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रेवयार्ड साउथ इंडियन तेलुगु फिल्म को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक खाली से सीक्रेट आइलैंड के ऊपर, जहां पर हम बीच के जस्ट किनारे पर एक छोटे से घर को देख पाते हैं, जहां पर रहता है सोनोदा नाम का एक आदमी, जो कि एक वीआर टेक कंपनी का काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। अब वो वीआर हेडसेट लगाकर रिलैक्स करने लगता है और उसे मॉनिटर कर रही होती है उस वीआर कंपनी की हेड ईदे। और आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वीआर के बारे में बताता हूँ, हालांकि मोस्टली लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए जान लेते हैं। इसका मतलब वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि हमारी असल दुनिया और रियलिटी की एक डिजिटल नकल, जहां पर सब कुछ रियल वर्ल्ड की तरह होता है। वहां पर हम घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, और पहले हमारे एक्शन लिमिटेड हुआ करते थे। अब मूवी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज पर है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अंदर दिमाग का इन्वॉल्वमेंट पूरा का पूरा है, और ब्रेन फंक्शन से वीआर दुनिया काइंड ऑफ जुड़ रही है हमारी मेमोरीज के डेटा से और भी सारी चीजों से, और यहाँ पर ब्रेन सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पर सोनोदा रिलैक्स कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है, और अब वो रेड ड्रेस में एक अजीब सी बेड़ियों में बंधी हुई विच को अपने पास आता हुआ देखता है और घबराने लगता है। और ये सब वीआर हेडसेट के अंदर ही हो रहा था, यानी कि वर्चुअल दुनिया के अंदर। अब यहाँ ईदे, जो कि उसे मॉनिटर कर रही थी, वो ब्रेन के अंदर हलचल होने से अलर्ट हो जाती है, और यहाँ पर वो सुनोदा से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो भी अब हेडसेट लगा लेती है और उसी वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो सुनोदा को तो नहीं देख पाती लेकिन वो उसका पीओवी देखती है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू को देखने लगती है। और आसान भाषा में समझाऊं तो वो दोनों ही इस दुनिया के अंदर एक तरह से मर्ज हो गए थे, और ये कैसे हुआ है तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, अब वो दोनों ही उस रेड ड्रेस्ड विच को देख पाते हैं, जो कि उस पर हमला करती है, और सुनोदा उससे बचकर भाग रहा था, जिसको वो विच पानी में डुबाकर खत्म कर देती है, और साथ ही साथ ईदे भी खत्म हो जाती है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि उसका कैबिन बीच से दूर था, वो कैबिन में थी, उसके आसपास पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उस वर्चुअल दुनिया में मरी वैसे ही यहाँ पर उसके आसपास पानी ही पानी है, वो पूरी तरह से भीगी हुई है। और जहाँ पर सुनोदा मारा गया था वहाँ हम एक तोरी गेट को अपीयर होता देखते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये गेट एक डोरवे है, जो कि एक से दूसरी ट्रांजिशन कर सकता है, और इसे श्राइन गेट भी कहा जाता है, जिससे पार करके श्राइन तक जाया जा सकता है। और ये अक्सर रेड कलर के होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि रेड तोरी गेट जो होते हैं वो ईविल को दूर रखता है, लेकिन ये वाला तोरी गेट अपने रेड कलर को छोड़ चुका है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एक ब्रेन साइंटिस्ट को, जिसका नाम टोमोनिको है, और वो अपने शहर से इस आइलैंड पर आया है ईदे की ही टीम को ज्वाइन करने के लिए। और वो ईदे का मैसेज भी देखता है, जो कि उसने वर्चुअल स्पेस में उन्हें भेजा था, वहां पर उनसे बात करी थी। ईदे अपनी कंपनी के बारे में बताती है कि उनकी कंपनी का नाम डेनागेट है, और इस वर्चुअल दुनिया को वो न्यू वर्ल्ड कहती है। इस वर्चुअल आइलैंड को उन्होंने इस असली आइलैंड को ही स्कैन करके बनाया है। वो अपनी टीम के बारे में बताती है, जिसमें चार और लोग हैं, एक इंजीनियर और एक टीम प्रोग्रामर, जो कि यंग है और अपने काम में बिल्कुल बेस्ट है। वो आगे ये भी कहती है कि एक बार वो यहाँ पर सेटल हो जाए तो वो उसे कुछ बताना चाहती है। खैर, अब टोमोनिको अपने स्टॉप पर पहुंच जाता है और बस में उसे रिन नाम की एक स्टूडेंट लड़की मिलती है, जो कि उसके वीआर हेडसेट को देखकर उसे थोड़ी बहुत बात करती है। लेकिन टोमोनिको थोड़ा अलग टाइप का शांत सा इंसान है, और वो काफी अकेले रहने वाला प्रैक्टिकल आदमी है, और उसे लोग ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो रिन को अवॉइड करता है। खैर, अब ईदे की टीम से हारुकी उसे पिकअप करके उनके ऑफिस तक लेकर जाता है, जहां पर वो उन्हें उनके हाउस हेल्प, शेफ और सर्वेंट ओल्ड मैन सीगे से मिलवाता है, और अपने बाकी टीममेट्स आयो, मियो और कोजी से मिलवाता है। साथ ही साथ हारुकी यहां पर टोमोनिको से रास्ते में बात करते आया था,
और टोमोनिको ने रास्ते में ही एक तोरी गेट को देखा था जिसके बारे में वो पूछता है। तो हारुकी ये बताता है कि ये अक्सर यूता जिन्हें प्रीस्टेस या फिर शेमन्स कह सकते हैं उनके घर के बाहर होते हैं और यहाँ पर एक शेमन है जिसके पास लोकल्स अपनी छोटी मोटी दिक्कतें लेकर जाते रहते हैं, तो ये काफी आम बात है। अब आते ही वो अपने काम पर लग जाता है और सबको वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ पर वो लोग अब उस वर्चुअल वर्ल्ड की स्मेल भी ले पा रहे थे, बाकी सेंसेस भी इस्तेमाल कर रहे थे और ये करने के लिए उसने ब्रेन डेटा मेमोरी टिश्यू को हेडसेट डेटा के साथ जोड़ दिया था। और हम टेक्निकल चीजों में ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना कह सकते हैं कि पहले वीआर के अंदर वो लोग इस आइलैंड को देख सकते थे, यहाँ पर घूम सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर उसको स्मेल कर सकते हैं, थोड़े बहुत बाकी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ टोमोनी को ये भी बताता है कि ये सब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि अलग अलग होगा और इंडिविजुअल चीजें काफी बियॉन्ड भी जा सकती हैं। लेकिन अब होता यह है कि तभी टोमोनी को ग्लिच करके सडनली ही एक बहुत ही डार्क दुनिया में आ जाता है जहां पर उसे वही बीच, उस बीच के सामने वही कैबिन दिखता है जहां पर वो सुनोदा को देख पाता है जिसे वो जानता तक नहीं था। और अब उसे भी सुनोदा के साथ वही रेड ड्रेस वाली विच दिखाई देती है जो कि उसके पास आने लगती है। और उससे पहले कि वो उसे कुछ करे, चीफ ईदे का हाथ उसे खींच लेता है जिससे कि वो असल दुनिया में जाग जाता है। अब वो ये नोटिस करता है कि उस वीआर दुनिया के अंदर उसके कपड़े जैसे भीग गए थे, अभी भी वैसे ही भीगे हुए थे, जिससे कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और ये समझ नहीं पाता कि ये हुआ कैसे। अब वो टीम से ईदे के बारे में पूछता है तो सब ये बताते हैं कि वो तो खत्म हो चुकी है। तभी हम रिन को देखते हैं जो कि अंकल सीगी का ख्याल रखती है और उनके लिए खाना लेकर जाती है जिसे अक्सर कुछ लड़कियां बुली भी करती हैं। और वो उनसे जैसे तैसे लड़ लड़ा कर उनके घर जाती है और वो भी उसे बहुत चाहते हैं जो कि अभी वर्शिप करने के लिए गए हुए थे क्योंकि वो एक काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन लोग उनको गलत समझते हैं, बैड ओमन मानते हैं और उनसे काफी रेसिस्ट बिहेव भी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के कई बच्चे उन्हें अक्सर बुली करते रहते हैं। खैर, तभी हम टोमोनिको को एक ऑफिस में देख पाते हैं जहाँ पर वो अपने रजिस्ट्रेशन को कराने आया था कि वो यहाँ पर नया रहने आया है। और यहाँ पर भी जो वर्कर्स होते हैं ना, वो चीफ ईदे और सुनोदा के बारे में ही बात कर रहे थे। खैर, अब तभी सुनोदा की बेटी टामाकी वहाँ पर आती है जिसे सुनोदा का सामान और उसकी अस्थियाँ दी जाती हैं क्योंकि सुनोदा ने काफी समय पहले ही अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया था जिसके बाद उनका कभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। खैर, अब वो दोनों बस से जाने लगते हैं और बस एक जगह आकर खराब हो जाती है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे और उनका एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं था। अब ये दोनों ही यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है और यहाँ के लोग किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते, अपने घरों से भी कम ही निकलते हैं तो उन्हें कोई हेल्प भी नहीं मिल पाती। और अलग होकर यहाँ वहाँ घूमने के बाद वो लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं और तभी उन्हें सीगे मिलता है जो कि यहीं एक घर में छोटा मोटा काम कर रहा था और ये घर है शेमन का। वो दोनों उससे मिलते हैं और वो ये पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आए, जिस पर टोमोनी को ये कहता है कि उसकी बस खराब हो गई थी। टामाकी कहती है कि वो अपने पिता का सामान लेने आई है, लेकिन शेमन उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ तक लाए गए हैं, आए नहीं हैं, उनका फेट था उसके पास आना। अब वो टामाकी का हाथ पकड़कर बताती है कि उसके पिता पानी में डूबकर मारे गए थे और मरते वक्त पछतावे में थे। अब वहीं वो टोमोनिको का हाथ भी पकड़कर बताती है कि जिसके लिए वो यहाँ पर आया है वो भी मर चुकी है, सेम डे सेम तरीके से जैसे कि सुनोदा मारा गया था, लेकिन वो इन सब चीजों का यकीन नहीं करता। ऑब्वियस ही बात है कि वो साइंटिस्ट है और ऐसे सुपरस्टिशंस में वो नहीं मानता, उसको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए होता है। अब यहाँ टामाकी को उसके पिता की अस्थियां पानी में बहाने की विजन्स आते हैं और उसकी हालत खराब होने लगती है जिसे टोमोनी को संभालता है। और तभी हम चीफ ईदे और सुनोदा की स्पिरिट्स को उनके पीछे खड़ा हुआ देख पाते हैं। तभी शेमन उनसे ये कहती है कि आगे कुछ भी हो वो लोग उसके पास आ सकते हैं, जिसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में बात करते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या ही देखा होगा जो ये सब बातें बताई। टोमोनी को अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी टामाकी को बताता है और वो उसे अपने पिता के घर ले जाती है जहाँ पर वो कारपेट पर पानी नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि शेमन ने सही कहा था कि वो और ईदे एक ही दिन एक ही समय पर एक ही तरीके से मारे गए थे। और तभी वो ये रियलाइज करके शॉक्ड हो जाता है कि उसने आखिरी वीआर सेशन में जो बीच के किनारे घर देखा था वो यही सेम घर था, यानी कि सेम कैबिन था, उसने उस कैबिन के अंदर सुनोदा को ही देखा था। और तभी टोमोनी को उस रेड ड्रेस्ड विच के बारे में टामाकी से पूछता है कि उसके पिता किसी लेडी के साथ रहा करते थे, जिस पर वो कहती है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनका कोई भी कॉन्टेक्ट आपस में नहीं था।
एनीवेज अब इसके बाद टोमोनी को अपने ऑफिस जाता है जहां पर वो सबसे पूछता है कि चीफ ईदे का सुनोदा से क्या रिश्ता था, जिस पर सभी ये कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में खास जानकारी नहीं है और चीफ ईदे अपने तरीके से काम किया करती थी, जिस पर वो ये बताता है कि वो दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही तरह से मारे गए थे, बस जगह अलग अलग थी लेकिन दोनों के ही आस पास सी वाटर मिला था। लेकिन पुलिस ने केस में यही लिखा है कि उनकी हार्ट फेलियर से सडनली मौत हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा ही सेम पानी मिलना यहाँ पर टोमोनिको के साथ भी हुआ था। खैर अब ये सभी वो वाली रिकॉर्डिंग देखते हैं जहाँ पर उन्हें भी उस रेड ड्रेस्ड विच की हल्की सी झलक दिखाई देती है। और अब टोमोनिको ये बताता है कि ईदे कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी अपने सब्जेक्ट के साथ में, और मरने से पहले बीच पर कुछ हुआ था और उन्होंने सेम ही चीज एक्सपीरियंस करी थी, जिस पर टीम मेंबर्स ये कहते हैं कि उनके एवेटार्स तो अलग अलग होने चाहिए थे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर तभी हमें टामाकी को दिखाया जाता है जिसे अपने पिता के पुराने सामान में कुछ बैंक पासबुक्स मिलती हैं, जिसके अंदर कुछ मनी डिपॉजिट एंट्रीज थी और उसकी टामाकी के साथ बचपन की एक पिक्चर भी थी जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है। खैर तभी टोमोनिको अपनी टीम को ब्रेन सिंक्रोनिसिटी के बारे में बताता है। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ बॉडी सेंसेशन शेयर करने के बियॉन्ड एक सिस्टम होता है जहां पर लोग मेमोरीज, थॉट्स और फीलिंग्स को यूनाइट कर सकते हैं, सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव डेटा भी, जैसे कि दुख, गुस्सा, खुशी और डर जैसी फीलिंग भी यूनाइट हो सकती हैं, और ये सारे इमोशन सिंक में होते हैं। तो ईदे अपने सब्जेक्ट की ब्रेन एक्टिविटी का डेटा कलेक्ट कर रही थी और ये डेटा ब्रेन सिंक्रोनिसिटी के लिए था। जैसे कि एक हायर एनिमल एक दूसरे एनिमल को देखकर उसकी नकल करता है, इसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं और ये होता है नर्व सेल से, और न्यूरॉन एक्टिविटीज को डेटा में कन्वर्ट करके एक दिमाग को दूसरे से जोड़ा जा सकता है और यही होता है ब्रेन सिंक्रोनिसिटी। अब ये चीज सुनकर आयो तो ये कहती है कि ये तो गॉड वर्ल्ड में जाने जैसा हो जाएगा, जिस पर कोजी कहता है कि इस दुनिया में फ्लॉज भी हैं, तभी तो दो लोग मारे गए, जिस पर टोमोनिको कहता है कि वो लोग इस वर्ल्ड में मारे गए, मतलब कि वो फिजिकल मरे हैं, लेकिन उनके डेटा न्यू वर्ल्ड के स्टेशन में तो स्टोर होंगे ही। और तभी हम ऑफिस के बाहर ईदे की स्पिरिट को खड़ा देख पाते हैं, जिसकी एक झलक सीघे भी देख लेता है, और इसलिए क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन था। अब टोमोनिको ईदे और सोनोदा के मेमोरी डेटा को रीड करता है और अपनी टीम के ब्रेन डेटा को भी रीड करता है ताकि उस रेड ड्रेस्ड विच वाले ग्लिच को वो समझ पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो टामाकी से मिलता है जो कि उसको बताती है कि उसके पिता को इस कंपनी से बहुत ज्यादा पैसे रेगुलरली मिल रहे थे और वो जानना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा था और वो किस लेडी के साथ थे, जिसके बारे में टोमोनिको ने उसको बताया था, लेकिन फिलहाल उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसको एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम और टामाकी के साथ शेमन के घर पहुंच जाता है। वहां पर वो लोग उस पर ईईजी हेडसेट लगाते हैं ताकि उसका ब्रेन डेटा वो ले पाए, क्योंकि वो इंसानी दुनिया के बियॉन्ड देख सकती है और उसने देखा भी था कि ईदे और सुनोदा कैसे मारे गए थे। और उसका प्लान ये था कि वो उस डेटा को कन्वर्ट करके और रेंडर करके वो सुनोदा और ईदे के डेटा से मैच और रेंडर करके पता लगा सकते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने आखिर देखा क्या। खैर अब टामाकी शेमन के सामने बैठी हुई थी और वो उसका हाथ पकड़कर उससे बात करने लगती है, और अब आसपास रूम में हलचल शुरू हो जाती है। बाहर मौसम खराब होने लगता है और तभी सुनोदा की स्पिरिट वहां आ जाती है, जो कि टामाकी के कान में विस्पर करती है कि वो यहां से चली जाए। और यहां पर शेमन की ब्रेन वेव्स बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगती हैं, यानी कि शायद से वो दूसरी दुनिया से जुड़ रही थी। अब तभी शेमन डर के मारे अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिससे कि सुनोदा की स्पिरिट वहां से चली जाती है। लेकिन टामाकी को दो हाथ हॉन्ट करते हैं और टोमोनिको उसे संभालता है। अब वो सभी लोग ऑफिस आ जाते हैं और कोजी टामाकी से थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहा था, तो वो लोग उसे यहां से भगा देते हैं। अब टोमोनिको लिए हुए ब्रेन डेटा को कन्वर्ट करके रेंडर पर लगा देता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो टामाकी से थोड़ी बहुत बात करता है। अब रात को कोजी नशे में ऑफिस आता है, जो कि उस ब्रेन डेटा को देखने के लिए वीआर हेडसेट लगा लेता है, लेकिन अब वहां पर सी वाटर आने लगता है। खैर अगली सुबह जब पूरी टीम वहां पर आती है तो सभी ऑफिस को पानी से भरा देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये सी वाटर था तो वो काफी ज्यादा दिक्कत में आ गए थे क्योंकि ऐसा ही पहले हुआ था। अब वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें कोजी दिखाई देता है, और वो उसका वीआर रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें उसके अंदर वही सेम रेड ड्रेस वाली विच दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल साफ दिख रही थी। लेकिन शॉकिंग ये था कि वो सुनोदा वाली मेमोरी डेटा से हट चुकी थी, मतलब उसने खुद को डेटा से बाहर कर लिया है। अब उन्हें कोजी की रिकॉर्डिंग में वही तोरी गेट दिखाई देता है और कोजी उसके पार निकल कर उस सी में पहुंच गया था, जहां पर वो रेड ड्रेस्ड विच उसे भी खत्म कर देती है। लेकिन गेट के पार
क्या हुआ ये लोग ये नहीं देख पाते और उन्हें वहां पर उस विच के बाल भी मिल जाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि वीआर दुनिया के चलते असल दुनिया में चीजें कैसे हो रही हैं और लोग कैसे मर रहे हैं। खैर तभी हम तीन लोगों को देख पाते हैं जो कि अपने घर जा रहे थे। तभी वो विच उन्हें हॉन्ट करती है और एक आदमी को खत्म कर देती है, मतलब कि वो अब हमारी दुनिया में आ चुकी है या फिर वो पहले से ही यहाँ पर थी, ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले सीन में हम सीगे को देख पाते हैं जो कि कहीं जा रहा था और रिन उसे खाना देने आ रही थी जो कि उसके पीछे आती है और बीच तक पहुंच जाती है जहां पर सीगे उस तोरी गेट के सामने सिंगिंग कर रहा था और रिन उसके पास जाने लगती है लेकिन उसे कुछ अजीब सा फील होता है तो वो वहां से लौट आती है। अब उस विच ने जिस आदमी को मारा था उसका फ्यूनरल होता है जहां पर सीगे भी जाता है लेकिन लोग उसे वहां से भगा देते हैं जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और अब शेमन उससे बात करती है और पूछती है कि आखिर टोमोनी को और उसकी टीम कर क्या रही है। यहाँ पर हम आयो को भी देख पाते हैं जो कि अपने घर पर थी और अब उसे वो विच हॉन्ट करती है जिससे उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। खैर दूसरी तरफ हम टोमोनी को और टीम को बात करता हुआ देख पाते हैं और हारुकी ये सजेशन देता है कि उन्हें सब कुछ इरेज करके न्यू वर्ल्ड को ही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि अब चीजें उनके बस से बाहर जा रही हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रही। खैर तभी वो सब शेमन से मिलने जाते हैं और उससे रेड ड्रेस विच के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें एक लेजेंड की पिक्चर दिखाकर ये पूछती है कि क्या उन्होंने इसी लेडी को देखा है, जिस पर वो सभी हाँ करते हैं और वो बताती है कि ये इमाजो एक कर्स है जो कि इसी आइलैंड पर जन्मा था। तो असल में काफी सालों पहले इमाजो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग स्लेव हुआ करती थी जिसे उसके ही ओनर ने असॉल्ट किया, टॉर्चर किया और जब ये बात ओनर की बीवी को पता चली तो उसने उसे भी बहुत मारा। अब यहाँ पर इमाजो के साथ बहुत ही गलत चीजें करी गई थीं। उसको बहुत ही गंदे तरीके से पीटा, गर्म सरिये से उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ही हर्ट किया, उसके बाल उखाड़ दिए और जितनी बेरहमी से हो सके उसे टॉर्चर कर दिया और फिर आइलैंड के सभी लोग उसे मारते मारते बीच तक ले गए और वहां पर तोरी गेट पर उसे लटकाकर पत्थरों से पीटा। कई कई दिनों तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और वो ऐसे ही एक दिन उस सी में डूबकर मारी गई और ये वही जगह थी जहां पर सीगे ने गाना गाया था। लेकिन इमाजो की स्पिरिट मौत से बाहर आई और जिस जिसने उसे तड़पाया सबसे बदला लिया, एक एक को खत्म कर दिया, जो खत्म नहीं हुए उन्हें पजस करके पागल कर दिया और ये कर्स पूरे आइलैंड पर फैल गया। अब वो आगे बताती है कि इमाजो इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आर पार हो रही है क्योंकि माना जाता है कि दूसरा वर्ल्ड दूसरा आइलैंड भी है जहां पर रिमोर्स में मारे गए लोग कैद हैं और वो तोरी गेट इमाजो का गेटवे है और उसे रोकने के लिए उन्हें उस गेटवे को यहां से बंद करना होगा जो कि खुल चुका है। अब वो लोग वापस ऑफिस आते हैं और टोमोनी को फैसला करता है कि वो वीआर वर्ल्ड में जाएगा, इमाजो को रोकेगा, साथ ही साथ ये पता लगाएगा कि वो इस प्रोग्राम में आई तो आई कैसे, यानी कि वो मैट्रिक्स में एक ग्लिच की तरह थी। खैर अब उसके साथ हारुकी भी जाने को तैयार होता है लेकिन अब इमाजो वहां पर आकर आयो को अपने साथ ले जाती है। टोमोनी को भी वीआर वर्ल्ड में जाता है और आयो को तो बचा लेता है लेकिन इमाजो उसे पकड़कर खत्म करने लगती है और अब हारुकी ये कहता है कि उन्हें उस डोर वे को यहां से बंद करना है तो वो वहां पर जाता है और उसे काट कर गिरा देता है लेकिन इमाजो उसे भी खत्म कर देती है और यहां पर वो टोमोनी को खत्म कर रही थी जिसका एवेटार ग्लिच करके वीआर वर्ल्ड से हट जाता है तो वो भी रियल दुनिया में वापस आ जाता है। अब तभी वहां पर सीगे आता है जो कि उनसे ये कहता है कि वो इमाजो को फ्री कर दे और उनका न्यू वर्ल्ड का सिस्टम तोड़ देता है जिससे टोमोनी को बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब सीगे वहां से चला जाता है और बाकी लोग हारुकी को ढूंढने चले जाते हैं जिसकी बॉडी उसी बीच पर है और साथ में कोजी की बॉडी भी वहीं फ्लोट कर रही थी। अब टोमोनी को सीगे का एक ब्रेन डेटा मिलता है और वो उसको देखने लगता है। वहीं टामाकी शेमन के पास जाती है और उससे इमाजो की आगे की कहानी पूछती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में सीगे की जो मदर थी वो पागल हो गई थी और कहा जाता है कि वो इमाजो कर से पागल हुई हैं और वो आइलैंड पर हर मर्द के साथ रिश्ता बनाती थी जिससे उनका पति दुखी रहता था तो उसने खुद को खत्म कर लिया और उसे भी आस पड़ोस के लोग पीटने लगे और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो टूट गया, साथ ही साथ उसको सब बुली करने लगे, नीचा दिखाने लगे और वो बेचारा इमाजो के कर्ज का इस आइलैंड का एक विक्टिम बन गया। अब एक रोज तो उसकी हालत ये तक हो गई थी कि उसकी माँ को होश ही नहीं था कि वो उसके साथ गलत करने लगी थी और होश आने पर वो रोने लगी और उस दिन के बाद से वो कभी किसी को नहीं दिखी। तो हुआ ये कि सीगे ने अपनी माँ और इमाजो को एक ही मान लिया था, इसलिए उसने इमाजो को फ्री कर दिया ताकि वो इस आइलैंड से अपना और उसका बदला ले पाए।
यानी कि ये सब सीगी का करा धरा था। और अब यहाँ उससे मिलने रेना आती है तो वो उसे उसके श्राइन रूम में कैद कर देता है, क्योंकि बाहर रहने पर वो मारी जाती। और वो खुद को भी खत्म करने निकल जाता है, जिसे शेमन समझाती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। बेसिकली यहाँ पर सीगे मैडमैन हो गया था। अब टामाकी उसके घर आती है और उसको रिन मिलती है, और वो श्राइन रूम में देखती है तो यहाँ पर वॉल के पीछे सीगे की माँ की बॉडी थी, जिनको बचपन में ही उसने खत्म कर दिया था ताकि वो इमाजों से इंसाफ पा सके। खैर, तभी टामाकी और रिन आजाद होकर उस तोरी गेट को जलाने के लिए जाती हैं, जहाँ पर उन्हें आयो और मियो भी मिलती हैं, और वहीं सीगे भी खुद को खत्म कर लेता है, यानी कि उसने एक बहुत ही खतरनाक कर्स को फिर से अनलीश कर दिया था। अब वो उस गेटवे को जलाने लगती है, लेकिन तभी इमाजो उन पर हमला करती है और सडनली वो वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि टॉमोनी को अपने साथ खींच कर ले गया था। अब देखो, डोरवे जलने से इमाजो तो खत्म हो जाती है, एटलीस्ट वहां पर तो वो नहीं आएगी, लेकिन टॉमोनी को भी वहीं फंस गया था, जिसे बचाने टामाकी आती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम उन दोनों को इस आइलैंड से दूर किसी वर्चुअल वर्ल्ड में देख पाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वहीं रिन सीगे की याद में पानी में डूबकर खुद को खत्म कर लेती है। और इतना तो हम जानते हैं कि ना ही कर्स मरता है ना ही कहीं जाता है, बल्कि वो ट्रांसफर हो जाता है या फिर रूप बदल लेता है। और मुझे लगता है कि यहां पर अब इमाजो की जगह कोई और आएगा। तो क्या वो रिन हो सकती है? क्योंकि ऐसे कर्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इमर्शन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मुझे कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया लगा, काफी इंटरेस्टिंग है, नया है, एटलीस्ट जो आजकल हॉरर मूवीज आ रही हैं उनसे तो काफी फ्रेश और काफी चिलिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये रेड ड्रेस वाली विच का आना कुछ और नहीं बल्कि सीगे की ही गलती थी, उसने ही उसको आजाद किया था। और पता है यहाँ पर सीगे के साथ में हुआ क्या था? उसकी माँ के साथ जो अत्याचार हुए या फिर जो कुछ भी हुआ, और जो यहाँ पर इमाजो के साथ हुआ था, उसने दोनों कहानियों को जोड़ दिया था, जिसके चलते वो यहाँ पर इमाजो को ही पूजने लग गया था, उसको ही अपनी माँ की तरह ट्रीट करने लग गया, जिसके चलते उसने उसको आजाद कर दिया, उस कर्स को अनलीश कर दिया। और एंडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि टामाकी और टॉमोनी को अभी उसी दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, शायद से वो वापस अभी नहीं आ पाए हैं। एंड आई पर्सनली फील कि इमाजो खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो उसी वर्चुअल दुनिया के अंदर शायद से अब इनके साथ में बदला लेगी या फिर वो इनके साथ कुछ भी गलत कर सकती है। और इसलिए मैंने ये कहा था कि ये कर्स इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। और इस बात की श्योरिटी है कि ये लोग वापस नहीं आए हैं, क्योंकि वो जो चेन्स की आवाज थी ना, वो यही सिग्निफाई करती है कि वो विच अभी भी वहीं पर है और उनको खत्म कर सकती है। और मेरे ख्याल से जो बैकग्राउंड में चेन्स की आवाज है, चेन्स की टूटने की आवाज है, वो ये सिग्निफाई करती है कि अब ये विच जो है वो एक वर्ल्ड के अंदर नहीं है, इमाजो एक दुनिया में नहीं थी, अब वो पूरे के पूरे वीआर वर्ल्ड में फैल चुकी है। जब भी कोई वीआर वर्ल्ड के अंदर जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है, वो उसको हर्ट कर सकती है। और इस चीज को रोकने के लिए टामाकी और टॉमोनिको को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो देखने वाली बात ये होगी कि उनको असल दुनिया में लेकर कौन आएगा। आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर ये लोग उस शेमन के ब्रेन डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब वो उस दुनिया से इस दुनिया में कनेक्ट कर सकती है तो इसके साथ ये वीआर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉमोनिको को अपना दिमाग लगाना होगा। और सबसे बड़ी बात कि टॉमोनिको ने आइडिया लगाया था कि जो उसकी चीफ थी उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जिसको आसान भाषा में स्पिरिट कहा जा सकता है, तो माइट भी उसको यूज करके ये लोग वापस जरूर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे।